दृष्टि ट्यूटोरियल के पॉकेट यूडियो में आप सबों का स्वागत है। आज वर्गों की संख्या को गिनना सीखना है। यहाँ दो प्रकार की जो आकृतियाँ दी गई हैं उनमें विभेद को जानिए। पहले यहाँ जो दो आकृति दी गई है इसमें लंबाई और चौड़ाई पर वर्गों की संख्या आप समान देख रहे होंगे। यहाँ भी दो वर्ग और यहाँ भी दो वर्ग, यानी लंबाई पर भी दो वर्ग और चौड़ाई पर भी दो वर्ग आपको दिख रहे होंगे, दो स्क्वायर्स दिख रहे होंगे। और इस आकृति में भी लंबाई पर तीन और चौड़ाई पर भी तीन वर्ग। जब दोनों भुजाओं पर समान वर्ग दिख रहे हो तो, और दूसरी कंडीशन आ जाती है तब जब दोनों भुजाओं पर असमान वर्ग बनते हैं, जैसे यहाँ पर लंबाई पर चार और चौड़ाई पर दो ही बन रहे हैं। तो दोनों को बनाने का तरीका, दोनों में वर्गों को, स्क्वायर्स को गिनने का तरीका सीखिए। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों भुजाओं पर लंबाई और चौड़ाई, दोनों भुजाओं पर वर्गों की संख्या समान है। तो वर्गों की संख्या है कितनी? आप कहेंगे लंबाई पर दो, एक दो, चौड़ाई पर भी एक, और ये रहा दो। तो करना क्या है, दो लिख लेते हैं, घटिएगा एक, यानी एक दो, या जितने वर्गों की संख्या है पहले वो लिख ली और घटकर एक तक पहुँचते हैं। कुछ नहीं करना, दो का स्क्वायर कर देना है हो जाएगा चार, एक का स्क्वायर कर देना है हो जाएगा एक, और दोनों को जोड़कर आप इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ये तरीका है तब जब लंबाई और चौड़ाई पर वर्गों की संख्या समान हो तब। अब इस एग्जाम्पल को बनाकर देखिए। आप देख रहे होंगे लंबाई पर वर्गों की संख्या तीन है और चौड़ाई पर वर्गों की भी संख्या तीन है, यानी दोनों छोरों पर, दोनों भुजाओं पर वर्गों की संख्या समान है। तो कितनी? सबसे अधिक तीन, घटेंगे एक की ओर दो और एक। क्या प्रोसेस है? तीन का वर्ग करते हैं नाइन, दो का वर्ग करते हैं फोर, एक का वर्ग करते हैं हो जाता है एक, और जोड़ते हैं नौ, चार तेरह, एक चौदह, और यूँ कह देंगे कि इस आकृति में वर्गों की संख्या चौदह है। लेकिन जब लंबाई और चौड़ाई पर वर्गों की संख्या असमान हो तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लंबाई के अनुदिश, वर्गों की संख्या चार है और चौड़ाई के अनुदिश दो है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है, यानी फोर इंटू टू, लंबाई पर चार और चौड़ाई पर दो। अब देखिएगा प्रोसेस, इन दोनों में एक एक घटना है। इसमें एक घटिए तीन, इसमें एक घटिए एक। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि इन दोनों में से किसी पर एक ना आ जाए। तो एक आ गया, प्रोसेस बंद। अब चार को दो से गुना कीजिए आठ, तीन को एक से गुना कीजिए तीन, दोनों को जोड़ दीजिए और आप कह दीजिए कि इस आकृति में वर्गों की संख्या ग्यारह है। इस तरह जब लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश समान वर्ग हों और असमान वर्ग हों तो दोनों के विभेद, दोनों के फॉर्मूले के विभेद को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। अब इस प्रोसेस के आधार पर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आप गिनती कीजिए एक दो तीन चार पाँच छः, लंबाई के अनुदिश छः। अब क्या करना है, चौड़ाई के अनुदिश गिनना है। चौड़ाई पर एक दो तीन चार, और इसे लेंथ इंटू ब्रेथ यानी फोर, सिक्स इंटू फोर लिख देते हैं। अब एक एक घटेंगे दोनों अंशों पर तब तक जब तक इन दोनों में से किसी एक जगह पर एक ना आ जाए। तो छः में एक घटेंगे फाइव, फोर में थ्री, और बढ़ना होगा चूँकि एक नहीं आया। फिर फाइव से घटिए फोर, इंटू थ्री में घटिए टू, और एक प्रोसेस करनी होगी थ्री, और यहाँ पर दो से एक घटाएंगे तो एक, एक चूँकि आ गया तो प्रोसेस बंद कर देते हैं और फिर मूल्यांकन करते हैं। छः गुना चार चौबीस, पाँच गुना तीन फिफ्टीन, चार गुना दो, आठ, और तीन गुना एक बराबर तीन, जोड़िए चौबीस, दस चौंतीस, पाँच उनचालीस, एक चालीस, सात सैंतालीस, तीन पचास। इस प्रकार इस आकृति में वर्गों की संख्या हो जाती है पचास। इसी प्रकार छात्रों छोटे छोटे पॉकेट वीडियो में हम लोग प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। कृपया सभी लोग
मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम लाइक कर हमारे मनोबल को ऊंचा करें। चलिए मिलेंगे अगले पॉकेट वीडियो में। धन्यवाद।